हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेंटल डायलॉग। डेंटल डायलॉग का आई बिलीव दिस इज सिक्स्थ एपिसोड और बहुत अच्छे गए 5 एपिसोड हमारे, और बहुत कुछ इंटरेक्शन हुई, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ। और मुझे लगता है डेंटल डायलॉग में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग कन्वर्सेशंस हुई, तो आज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कन्वर्सेशंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो वो पहले कर देते हैं कि फ्राइडे को हम डेंटल डायलॉग करते थे रात को 9 बजे के बाद, बट क्योंकि फ्राइडे को थोड़ी ओपीडी ज़्यादा होती है और मीटिंग्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम इसको सैटरडे में कन्वर्ट कर रहे हैं। सैटरडे को हम हर सैटरडे 9 o'clock हम रखा करेंगे, और एनी चेंज ऑफ प्लान होंगे तो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी इंस्टाग्राम पेज पर भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह। तो आज के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आए। टॉपिक्स पहले मैं सारे डिस्कस कर लेता हूँ एक एक करके कि क्या क्या है। हमारे पास आया कि इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स, जिसके बारे में मैं थोड़ा कम बात करने वाला हूँ, रीज़न बीइंग कि इसके ऊपर अभी मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि इंश्योरेंस डॉक्टर्स के क्लिनिक की, राइट, सेम रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। और रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए मैंने कुछ टॉप क्लास सीनियर्स से बात की, और उन सब से बात करने के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे बहुत जल्दी। इसके सिवा जो आज 100% डिस्कस होंगे वो हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सीनियर्स मेंटर्स, राइट, इन कि क्लिनिक में, कॉलेज के बाद नहीं, क्लिनिक में आने के बाद, एक जगह बैठ जाने के बाद, उसके बाद कितना ज़रूरी है कि आप अपने मेंटर्स के साथ, अपने यू नो सीनियर्स के साथ हर केस को कैसे डिस्कस करें, कैसे इतनी यू नो टेंडेंसी बनाएं कि आप डिस्कस भी करें और सॉल्व भी करते चलें। एथिक्स क्या आपको फॉलो करनी है, और अगर कोई और एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा है तो कैसे हैंडल करना है उसको। इसके बाद डेंटिस्ट्री कोविड के बाद कैसे हिट हुई और कोविड के बाद कैसे रिकवर हो रही है, आप क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें शायद मेरा भी आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है क्योंकि मैं कुछ पर्सनल टॉपिक्स भी रखता हूँ। मेरे पर्सनल टॉपिक 2 हैं, उनमें इसी तरीके की बात है कि यू नो कोविड की बात नहीं, बैड डेज डेंटिस्ट्री में भी आते हैं, हर बिजनेस में आते हैं, कि जिस दौरान आपके पास पेशेंट कम होंगे या नहीं होंगे तो उस टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, उस टाइम में कैसे खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की फिजिकल हेल्थ, खुद की ओवरऑल हेल्थ, खुद को कैसे संभालना है, और कैसे क्लिनिक को तब भी आगे लेके जाना है, ठीक है। तो और इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास होगा हाउ टू बी अपडेटेड, कैसे अपडेटेड रहें डेंटिस्ट्री के अंदर। ये सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और आधे घंटे के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बट कोशिश करेंगे जल्दी 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 सारे टॉपिक डिस्कस करें। किसी और का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ डालिएगा बीच में, हम कोशिश करेंगे सवाल को यू नो देखें और लास्ट में आंसर करें। तो शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत मैं अपने टॉपिक से करता हूँ आज, राइट, उसके बाद आप लोगों के टॉपिक्स लेते रहेंगे। मेरा टॉपिक जैसे मैंने बताया कि बैड डेज, या कह सकते हैं कि कोविड के बाद के डेज, जब डेंटिस्ट्री में आए, जब आपके क्लिनिक में, हर किसी के साथ ऐसा होगा कि जब प्रैक्टिस शुरू होगी तब यू नो पेशेंट्स की ओपीडी कम होगी, यू नो या आप एकदम से ज़्यादा होकर कम हो जाएगी, या कुछ एक फ्रेम, टाइम फ्रेम होते हैं अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग, जैसे इस्लामिक एरियाज़ जो हैं उनमें, मुस्लिम एरियाज़ में कई बार देखा जाता है कि रोज़ों के टाइम पर पेशेंट कम हो जाते हैं, या हिंदू एरियाज़ में देखा जाता है कि भाई नवरात्रों के टाइम पे पेशेंट कम हो जाते हैं क्योंकि सब लोग यू नो व्रत व्रत रखते हैं, रोज़ वगैरह जैसे रखते हैं ऐसे व्रत व्रत रखते हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगवाना चाहता, ठीक है। ऐसे टाइम आते हैं, और कभी कभी तो अपने आप आ जाते हैं अचानक, राइट। ऐसे भी टाइम आते हैं जब अचानक वेदर चेंज होता है तो पेरिकोनाइटिस के केस ज़्यादा हो जाएंगे बारिश के टाइम पर, ऐसा भी हो सकता है कि ठंड बढ़ गई तो सेंसिटिविटी के केस ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा अप डाउन चलता रहता है। पर आपका तो आपको हैंडल करना आता है कि आपको कैसे पैसा कमाएं, बट डाउन को कैसे हैंडल करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है बात समझने कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे आपको यू नो यू कैन डू मार्केटिंग, येस राइट, बट आप ज़बरदस्ती चीज़ों को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। जब किसी को परेशानी होगी तभी वो आएगा, आप उसको परेशानी क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस दौरान आपके पास टाइम फ्रेम होता है टू मेक योरसेल्फ बेटर। सिंपल लाइन में बोलूँगा, जब आपके पास समय है खुद को बेहतर बनाने का, जब आपके पास समय नहीं है किसी और को बेहतर बनाने का, दैट इज ट्रीटमेंट करने का, तब आपके पास समय है खुद को बेहतर बनाने का। एंड यू
डू नॉट हैव टाइम टू मेक अदर्स लाइफ बेटर बाय डूइंग ट्रीटमेंट, इट इज़ योर टाइम टू मेक योर सेल्फ बेटर एट दैट मोमेंट, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे आप प्रोडक्टिव हो, बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे आप बुक्स पढ़ना ज़्यादा कर दें, बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे रिसर्च पेपर्स आप ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे यू नो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के बजाय प्रोडक्टिव चीज़ें पढ़ना लिखना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू कर दें। और इस माइंडसेट के साथ नहीं कि यार पेशेंट नहीं आ रहा है, यार दूसरे मिनट, ये रहेगा ना तो कभी आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। इस माइंडसेट के साथ इट्स ओके, कहते हैं ना भगवत गीता में लिखा है ना कि स्थिर दिमाग सिद्धि पुरुष वही है जो हर चीज़ में सिद्धि रख सकता है। कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि आप गुस्से में और यू नो लालसा में और परेशानी में और यू नो अच्छी लाइफ में सब जगह जो सिद्धि रख पाता है, जो एक ही तरीके का रहता है, वो सिद्धि पुरुष। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे, जब पैसा ही पैसा आ रहा था, जितना आप उस टाइम पे स्टेबल माइंडेड थे उतना ही स्टेबल माइंडेड आपको तब भी रहना है जब पेशेंट्स कम है। और इस माइंडसेट के साथ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आज कम है कल आ जाएंगे, आज मेरे पास समय मिला है कुछ अच्छा ढूंढने का, कुछ अच्छा पढ़ने का, ऊपर वाले ने समय दिया है खुद को बेहतर करने का, तो उसके बारे में पढ़ता लिखता हूँ या लिखती हूँ जो मेरा ट्रीटमेंट मुझे परेशान कर रहा है, या वो कोर्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ जो मुझे ऐसे फ्रंट प्रोफेशन परेशान कर रही है। ज़रा देखते हैं क्या क्या है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आई एम श्योर कि इससे पहले आपके ओपीडी बढ़े आप आधा तो छोड़िए 0.1% भी नहीं पढ़ पाएंगे इंटरनेट पे, इतना कंटेंट है। ठीक है, तो इन बैड डेज़ को किस माइंडसेट के साथ आपको यू नो निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इस दौरान स्पेशली ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बात मत कीजिएगा जो सेम तरीके की बातें आपको बोले, जो सेम ये बोलें कि अरे कुछ नहीं रखा ये देखो, ये बड़ा परेशानी हो गई, ये हो गया। इस दौरान आपको ऐसे लोगों से बात करनी, मैंने ऐसे टाइम जब भी मेरे साथ आए मैंने मेंटर से जिनसे बात की उन्होंने मुझे ये बोला है अरे मेरे साथ भी होता है यार, इट्स ओके, आज नहीं है कल हो जाएगा पेशेंट, तो अपना काम कर, तू सीख, तू बेहतर बन। ऐसे लोगों का इस टाइम पर आपके साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपको लग रहा है कि यार कोई ऐसा लोग नहीं है, और अपोजिट ऐसे लोग हैं जो आपको यू नो धकेल रहे हैं कि अरे ये तो है ही ऐसे, और इंडिया से चले जाते हैं बाहर, कंट्री से छोड़ देते हैं वो, तो उससे दूर रहिए, क्योंकि छोड़नी होती तो फिर छोड़ ही दीजिए, फिर छोड़ ही दीजिए, फिर रुकने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो बैड डेज की बात हुई, इसके सिवा बहुत मेरे दिल के क्लोज ये टॉपिक है, मैं चाहता हूँ ये आप लोग सीखें, और मैं यकीन से कहता हूँ आपको, यकीन से कहता हूँ कि ये आपकी सिर्फ डेंटिस्ट्री में नहीं, आपके ओवरऑल बिहेवियर सेंस में, आपके व्यवहार में आपको लोग इतना पसंद करेंगे इस चीज़ के लिए। तो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी आपका असिस्टेंट आपको कोई भी चीज़ देता है, ठीक है, या आपके रिसेप्शनिस्ट या आपका जेनेटर या कोई भी छोटा सा भी काम आपके लिए करता है ना, तो लर्न टू से थैंक यू टू देम इन फ्रंट ऑफ पेशेंट ऑल्सो, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। जब आप उनसे कोई काम करवाने के लिए बोलते हैं ना, तो लर्न टू पुट प्लीज इन फ्रंट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं काम कर रहा हूँ पेशेंट पे, तो मेरे मुँह से कभी भी ये नहीं निकलता कि सक्शन, मेरे मुँह से निकलता है सक्शन प्लीज। जितने भी बड़े डॉक्टर्स को आप देखेंगे, जो जितने भी बड़े बड़े ओटीज में काम करते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बॉलीवुड मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ के ओटी की मूवी के सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल जिन डॉक्टर से आप मिलेंगे, अगर आप गए, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप ओटी में यू नो बड़ी बड़ी सर्जरीज आपने देखी हैं, तो आप पाएंगे कि वो कितनी रिस्पेक्टफुली सिस्टर्स से बात करते हैं, नर्सेस से बात करते हैं, वार्ड बॉयज से बात करते हैं, उन सब से बात करते हैं जो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, कितने रिस्पेक्टफुली उनसे बोलते हैं। सिस्टर्स के साथ तो यू नो मैंने देखा है कि 5-5 घंटों का ऑपरेशन होते हैं, इतनी रिस्पेक्टफुली डॉक्टर बात करता है, मेरे ख्याल से नर्सिस का सिस्टर्स का रोल उस टाइम पे ज़्यादा बड़ा होता है। सिमिलरली आपके असिस्टेंट का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है, आप उनको पैसे देते हैं, ठीक है, बट आपको अगर कोई पैसे देगा तो आप क्या खड़े होकर काम कर लेंगे? तो अगर कोई भी आपके लिए कोई भी काम करता है तो उसको ग्रांटेड मत लीजिए, हमेशा रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। इसलिए नहीं कि उसको नाराज़ नहीं करना है, उसको तो कोई पड़ी भी नहीं है, उसको तो शायद कोई भी इंसान प्लीज़ नहीं बोलता होगा, उसके घर में उसको कोई प्लीज़ नहीं बोलता होगा, बट आपसे रिस्पेक्ट, आपसे डिसेंसी एक्सपेक्ट होती है। पेशेंट भी फील करता है कि अरे डॉक्टर साहब की तो क्या यू नो लहजा है बात करने का,
मुझसे तो प्लीज करके बात करते हैं, मुझसे तो पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल और नॉट, असिस्टेंट से ही बोलते हैं कि प्लीज सक्शन प्लीज, और जैसे सक्शन उन्होंने किया तो साथ साथ बोलते हैं थैंक यू, कोई भी चीज़ एलजी ने मिस करके दिया थैंक यू सो मच, इसकी आदत बनाइए, ठीक है। इससे आपकी डिसेंसी, आपका कैरेक्टर प्रूव होता है, प्रूव होता है कि यू आर ए कंप्लीट डिसेंट डॉक्टर, आपके पास वो बात करने का लहजा है, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये तो रहे मेरे टॉपिक्स जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को उसको बताऊँ। इसके सिवा बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर दास का टॉपिक। डॉक्टर दास ने उन्होंने बताया था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सीनियर्स और मेंटर्स, क्योंकि उनको बहुत हेल्प मिली इस चीज़ से, मुझको बहुत हेल्प मिली, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी हेल्प मिले। देखिए कॉलेजेस में सीनियर्स मेंटर्स का अलग रोल होता है, वहाँ पे ये रोल होता है कि भाई ठीक है आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, आपको काम सिखा दिया, आपको पेशेंट दिलवाने में हेल्प कर दी, बट इतना ही नहीं है उनका रोल। इससे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप क्लिनिक पे, आप क्लिनिक पे अकेले बैठ के अगर काम करते हैं ना, तो आजकल के इंटरनेट के ज़माने पे ये बेवकूफ़ी है। आप आजकल के इंटरनेट के ज़माने में क्लिनिक में बैठ के हर केस को मल्टीपल लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर केस को एक छोटी सी स्केलिंग को भी डिस्कस करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चाहे पता है कि आपको आता है, बट जिस लोग जो इंसान ये समझ लेता है कि मुझे आता है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर स्पेशली। तो इसलिए अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको लग रहा है कि आप सीख सकते हैं इससे, तो अपने सीनियर से मेंटर से एक बार डिस्कस करें। एक एक्सरे भेजने में कुछ नहीं जाता, राइट। और उनसे पूछें कि सर आप क्या करते हैं या मैम आप क्या करते हैं इस केस में, और अगर आपको लगता है कि आप किसी को सिखा सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल उस केस को अच्छे से डॉक्यूमेंट करें, पोस्ट करें, और जो भी आपको मेंटर मानता है, जो भी आपके साथ फॉलो अप में, उसे शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है डेंटिस्ट्री में एक दूसरे की, हम ह्यूमन जीत ही इसी लेने के कॉग्निटिव एबिलिटी है हमारे पास, और क्या रीज़न है कि हम वर्ल्ड को ऐसे ही कोई ना, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा तन है, ना दुनिया में सबसे बड़ा मन है, ना दुनिया में सबसे बड़ा धन है, ना दुनिया में सबसे बड़ी यू नो दिमाग रखते हैं हम, ठीक है। हमसे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बहुत बड़े बड़े दिमाग रखने वाले, बट एक साथ काम करना, दैट इज़ द ओनली वे। कहते हैं ना कि अगर दूर तक जाना है तो साथ में चलो लेके लोगों को, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे सीखते चलें, जहाँ आपके दिमाग में आ गया कि उससे मैं सीखूँगा वहाँ आप ख़त्म हो जाएंगे। मेरे मेंटर ने मुझे अपने लैब पर्सन से एल्जिनेट मिक्स करना सिखाया था, अपने लैब पर्सन से, कि आप इनसे सीखो तो वे ही मिक्स इट, सो वॉट नाउ आई कैन मिक्स इट गुड, तो मैं अपने असिस्टेंट को सिखा पा रहा हूँ, और कल को मेरा असिस्टेंट मेरे जूनियर असिस्टेंट को सिखाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसल्ट करें स्टार्ट करने से पहले केस को, इससे बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। एक ही तरीके की यू नो ट्रीटमेंट 100 तरीके से अलग अलग डॉक्टर्स कर रहे हैं, और सबके तरीके उनके लिए सक्सेसफुल हैं इसलिए वो कर रहे हैं। तो आपको कौन सी चीज़ कब कामयाबी दे दे, यू डोंट नो। क्या पता कौन सा ऐसा मटेरियल हो, कौन सा ऐसा यू नो ऑब्चुरेशन मटेरियल हो, कौन सा ऐसा ऑब्चुरेशन टेक्निक हो, कौन सी ऐसी चीज़ हो जो यू नो अपडेट हो चुकी हो आपको ना पता हो, क्या पता उनके स्टेट में मिल रही हो आपके स्टेट में नहीं मिल रही हो। इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सीनियर्स के साथ हर केस को कंसल्ट करें। आप चाहें तो हमारे ग्रुप पे डाल सकते हैं, हमें पर्सनली भेज सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी आपको बता सकता हूँ अपनी कैपेबिलिटी से, जितना छोटा मोटा मुझे आता है आपकी पूरी हेल्प करूँ। स्पेशली मेडिसिन्स में मैं देख रहा हूँ कि ऑगमेंटिन लिखे जा रहे हैं, ऑगमेंटिन लिखे जा रहे हैं, और क्यूट्रोल डीटी लिखे जा रहे हैं, और बस उनको ना पता है कि उसमें क्या सॉल्ट है, ना पता है कि उसमें क्या साइड इफेक्ट है, ना पता है कि उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं आगे, ना पता है कि उसको किडनी पेशेंट में देते हैं नहीं देते हैं, ना पता है कि उसको डायबिटिक पेशेंट में देते हैं नहीं देते हैं, ना पता है कि स्टेरॉयड कैसे यूज़ किया जाता है, ना पता है कि कितने यू नो क्वांटिटी में देते हैं और कितनी क्वांटिटी में उसको निकालते हैं बॉडी से, कुछ भी नहीं पता है, बस पेले जा रहे हैं। बहुत गलत तरीका। अगर आपको मेडिसिन की नॉलेज नहीं है तो जिनको है उनसे सीखें, जाने मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलोपैथिक मेडिसिन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेंटिस्ट्री में मानता हूँ कि मेडिसिन से सब कुछ सॉल्व नहीं होता, सॉल्व आपके हाथों से ही होता है, आपके ट्रीटमेंट से ही होता है, मगर पोस्ट ट्रीटमेंट या प्री ट्रीटमेंट यू नो प्रोफाइल एक्सेस,
और पेन रिड्यूस रिडक्शंस, ये सब चीज़ें हीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं सीखनी। इसलिए फार्मा को सिर्फ वहाँ तक मत छोड़ाइए कि वहाँ पे क्या उसके साइड इफेक्ट होते थे, क्या नोजिया वॉमिटिंग लिखा है, वाइवा दे दिया, इससे ऊपर बहुत कुछ है। किसी रीज़न की वजह से वो सिखाया गया था आपको और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इमरजेंसी केयर में ज़रूर सीखें कि यू नो कैसे इमरजेंसी केयर की जाती है। इमरजेंसी किट की मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूँगा, एक पर्सन शायद इमरजेंसी किट बेच रहे हैं और उसमें सारी लिस्ट है कि क्या क्या इमरजेंसी मेडिसिन होनी चाहिए किट में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप उनकी किट खरीदिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उसमें पूरी लिस्ट है, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या मेडिसिन इमरजेंसी में आता है डेंटल के अंदर, कौन सी टैबलेट्स आती हैं, कौन से वायल्स आते हैं, कौन सा यू नो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, आपको आना चाहिए CPR कैसे देते हैं। अगर नहीं आता है तो कोर्स कर लीजिए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप डॉक्टर हैं अपने घर के, अगर घर में कोई दिक्कत होती है तो आपसे एक्सपेक्टेशन है, अपने सोसाइटी में आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप हेल्प कर पाएंगे और आपको कर पानी चाहिए। तो इसलिए मेंटर्स की हेल्प लीजिए, मेंटर्स सिर्फ डेंटिस्ट्री तक सीमित मत कीजिए, MBBS, MD, MCH इन लोगों तक पहुंचिए, अपनी पहुंच बनाइए, जितने बड़े लोगों में बैठेंगे उतना बड़ा बन पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। राइट, तो आई होप इट इज़ क्लियर और आप लोग इस बात को फॉलो करेंगे। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, मैं डॉक्टर साहब का तो नाम नहीं जानता कि उन्होंने भेजा था, मतलब जानता हूँगा बट अभी मैंने लिखा नहीं हुआ अपने सामने। तो एथिक्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ये टॉपिक बोला गया है बात करने के लिए। तो एथिक्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में ना दोनों साइड की एथिक्स आती है, आपको ये भी देखना है कि आप एथिक्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि आपको पेशेंट एथिक्स फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपको ये भी देखना है कि वो जहाँ से आया है उस पर्सन ने एथिक्स कितनी फॉलो करके आपकी तरफ भेजा है, या आपकी तरफ भेजा भी नहीं किस तरीके की बातें करके भेजा है। इसमें दो तीन सिचुएशंस आती हैं। पहली, समझ लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया जिसमें इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज है या कोई भी उससे गलती हो गई उस डॉक्टर से, अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप एथिक्स को कैसे फॉलो करेंगे। एक तरीका ये कि आप बोले अरे ये कहाँ करा लिया आपने, ओहो ये बड़ा बुरा हुआ, ये तो अच्छा कौन डॉक्टर था, ये वो ये हुआ, गलत तरीका, बहुत गलत तरीका। और अगर आपको सच में ये करने का मन करे ना, तो अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, ये सवाल कीजिएगा कि जो उस डॉक्टर से गलती हुई है, जो भी हुई है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज हुआ है, चाहे वो रूट स्टेम छूटी है, क्या आप इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि आप उसको सही कर सकें, सही कर सकें, इंस्ट्रूमेंट अगर ब्रेकेज हुआ है तो उसको रिट्रीव कर सकें या उसको बाईपास कर सकें, अगर रूट स्टेम छूटी हुई है तो आप उसको निकाल सकें, अगर आप उस लायक हैं तब तो सोचिएगा। हालांकि तब भी नहीं सोचना चाहिए, अहंकार पर बड़ी चीज़ है, पर अगर उस लायक नहीं है तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप उसके बारे में कुछ गलत बोलें। इनफैक्ट जब मेरे पास ऐसा कोई केस आता है तो मैं पेशेंट से पहले अलाउंस लेता हूँ कि मे आई नो कि ये आपने कहाँ से कराया, मे आई, ऐसे कभी नहीं कह रहे ये कहाँ से करा लिया आपने, ये लैंग्वेज नहीं है डॉक्टर की, मे आई नो कि आपने ये कहाँ से कराया। पेशेंट हो सकता है ना बताना चाहिए, उसकी प्राइवेसी है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर पेशेंट बताता है कि हाँ मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ था, कॉलेज से हुआ था, डेंटल कॉलेज से हुआ था, तो ये नहीं अरे वहाँ तो स्टूडेंट होते हैं, एक दिन आप भी वही स्टूडेंट थे, एक दिन आप भी वही स्टूडेंट थे, तो पेशेंट को वहाँ से हटाइए मत, पेशेंट को बताइए ठीक है वहाँ पे काम सस्ते में होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स काम करते हैं, अपनी गाइडेंस में करते हैं और अच्छे से बेटर काम, बेस्ट काम करते हैं, तो ठीक है हो गया, डॉक्टर से भी हो सकता था, नो वरीज, हम देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। अब ये छोड़िए आपकी कहाँ क्या गलत हुआ, गलत का कोई भरोसा नहीं होता सर, सब अपने तरफ से बेस्ट काम करके देते हैं, बॉडी कई बार हील नहीं होती। अब ये देखते हैं कि क्या गलत हो गया और क्या सही किया जा सकता है, दैट्स इट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एथिक्स को पूरी तरह से फॉलो करें। और अगर कोई और एथिक, अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि आपका पेशेंट कहीं चला जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो दूसरा डॉक्टर अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करता और कुछ इस तरीके की बात करता है कि अरे ये कहाँ से ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी बोलता है, और पेशेंट आपको अगर बाकी कुछ यू नो उल्टा सीधा बोलता है,
तो आप एक सिंपल, और ये बात शायद डॉक्टर दास ने हमें बताई थी, सिंपल एक बात उनसे पूछिए कि सर आपको जिसने भी ये बात बोली है कि मैंने ये यू नो सिस्टम ट्रीटमेंट गलत किया है या कुछ किया है, आप उनसे रिटर्न में लिखवाएंगे? आप उनसे रिटर्न में लिखवाइए। अगर वो रिटर्न में लिख के दे देंगे ना, तो मैं इसको ब्लेम पूरा लेने को तैयार हूँ। क्योंकि क्योंकि कोई पर्सन उसको रिटर्न में लिख के इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसको भी पता है कि डॉक्टर से गलती हो सकती है। इट इज़ अलाउड। और गलती, पहले तो बात सिंपल सी गलती की इस बात की हुई कि आपके पास पेशेंट नहीं आए, रिपीट ना हो, वो सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए कि वो आपकी ग्रोथ को, आपके यू नो बढ़ते हुए चार्जेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बस ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट वर्क करने का ट्राई नहीं किया या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। ट्राई नहीं किया मतलब कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया और आपको पता है आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो आप गलत हैं। या फिर अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस नहीं ली। ये नहीं बोला कि ठीक है आप आ जाइए और मैं जो है इसको देख लेता हूँ, हाउ विल आई विल यू नो इम्प्रोवाइज इट। अगर ये दो चीज़ें आपने नहीं की तो आप गलत हैं, राइट? तो अगर आप ये दो चीज़ें करेंगे, हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे, उसके बाद आपका फेलियर भी अगर होता है और कोई दिक्कत भी अगर होती है तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं ठीक है मैंने तरफ से ट्राई किया, ये फेलियर हुआ। अब इसमें बात आती है कन्वर्सेशन की, आपने पेशेंट से क्या कन्वर्सेशन की थी स्टार्टिंग में, आपके कम्युनिकेशन स्किल कितने अच्छे हैं, यहाँ पर वो आ जाता है। अगर मेरे पास पेशेंट रूट कनाल के लिए आता है, मैं पहले भी बात दोहरा चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ जल्दी से, कि मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलता हूँ कि सर 95% से 99% चांस हैं कि आपका दांत मैं बचा ले जाऊँगा क्योंकि मैं रूट कनाल एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मगर 1% चांस आपकी बॉडी की हीलिंग के भी हैं, और अगर यही पेरियोपाइकल प्रॉब्लम है तो इसके चांसेस और कम हो जाते हैं और चार्जेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मेहनत बढ़ जाती है। ये मेरे चार्जेस हैं, इसमें क्राउन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसमें जो जो इंक्लूडेड है मैंने आपको बता दिया, दैट इज डूइंग द ट्रीटमेंट, दैट इज कंप्लीट रूट कैनाल, उस बीच में जो भी होता है, रेस्पिरेशन होती है, एमटीए डलता है, ये होता है, वो होता है, डन, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस क्योंकि मैं सब कुछ कैलकुलेट करके बात करता हूँ, एक्सरे देख के सब कुछ कैलकुलेट करके, माउथ ओपनिंग कितनी हो रही है, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, सब कुछ डन। इसके बाद क्राउन बाद में देखेंगे, उसके चार्ज आपको बाद में बताएंगे। दिस इज हाउ, अगर आपने ये सब बातें क्लियरली करी हैं, उसके बाद अगर पेशेंट आपको बोलता है अरे ये हो गया वो हो गया, आप क्लियर बोल सकते हैं सर बॉडी हील नहीं हुई है, ठीक है हमने ट्राई किया। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप डोंट डू हीरोडोंटिक्स, आप किसी मेंटर को बुला के, किसी सीनियर को बुला के हेल्प कर सकते हैं, फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, डन, यहीं तक था आपका और उनका साथ। उसके बाद भी अगर वो आपसे कोऑपरेटिव नहीं हो पा रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपकी कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपने करी, उसके बाद भी अगर पेशेंट परेशान है तो लेट देम गो, नो वरीज, क्योंकि वो हमेशा परेशान ही रहेंगे। और अब उस पेशेंट, उस डॉक्टर का क्या किया जाए जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वो है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सबसे बेस्ट आंसर है किसी के लिए कि अगर कोई आपके को गड्ढा खोद रहा है ना, तो उसमें गिरेगा जरूर एक दिन, एक बात याद रखिए, तो आपको वापस गड्ढा में यू नो कूदने की जरूरत नहीं है कि एक और गड्ढा उसके लिए बनाया जाए। आप अपना काम कीजिए, खुद को इम्प्रोवाइज कीजिए, देखिए आप कहाँ गलत हुए और उसको बेहतर बनाइए। यही सबसे बड़ा लेसन और यही सबसे बड़ा तरीका है चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि इसमें आएगी आपको रात को नींद, समझ रहे हैं? पीस, पीस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने अब उस चीज़ को सही कर लिया। और अगर आप किसी को गाली देंगे, वो वापस आपको गाली देगा, उसमें नींद नहीं आएगी, तो उनका कर्मा उन पर छोड़िए और अपना काम कीजिए, ठीक है? तो एथिक्स के बारे में थोड़ी बात हो गई, अब फटाफट से लास्ट बात कर लेते हैं कि डेंटिस्ट्री कोविड के बाद कैसे इफ़ेक्ट हुई है और क्या क्या हो सकती है। देखिए चार्जेस वगैरह की तो बात अलग रही, बट प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, वॉर का भी इफेक्ट थोड़ा सा है, रशिया और उनका यूक्रेन का, थोड़ा चाइना का भी इफेक्ट है, तो थोड़ी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट ने इस तरीके की डाली हैं जिसकी वजह से रेट्स बढ़ सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है।
ठीक है, तो ये एक रूमर भी हो सकती है, ठीक है, तो मैं कोई सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसका प्रमाणित कुछ चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रख के बहुत सारे चीज़ें रख के बैठ जाइए, बट येस, खुद को अपडेटेड रखिए, खुद को इतना रेडी रखिए कि क्लिनिक में कोई दिक्कत आए तो आप, यू नो, आपके पास इनफ मटेरियल हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोविड के बाद की जहाँ तक बात रही, देखिए कोविड के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कोविड के बाद पेशेंट मेरे ज़्यादा बढ़े हैं, मेरे पास पेशेंट ज़्यादा हैं, रीज़न बीइंग कि टचवुड उस टाइम पे पेशेंट्स के पास ऑप्शंस कम थे, ठीक है, प्रैक्टिस काफ़ी शट डाउन थी, ठीक है, पेशेंट्स ने काफ़ी ट्रीटमेंट इग्नोर किए और अब वो वापस कराना चाहते हैं। इकोनॉमी डाउन थी, कोई कमा नहीं रहा था, सब सेविंग्स से काम चला रहे थे, अब सब लोग कमा रहे हैं, वापस आप ट्रैक पे आ गए हैं। तो कोविड के बाद डेंटिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है ना होगी किसी भी चीज़ के बाद, वो इम्प्रोवाइज़ हो रही है, वो बेटर हो रही है, जिसको अच्छा करना है वो कर रहा है, जिसको नहीं करना है वो कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि कोविड के बाद का टाइम बड़ा इफेक्ट हो गया डेंटिस्ट्री में, ये हो गया, वो हो गया, जिनको करना था वो कोविड से पहले भी अच्छा कर रहे थे, कोविड के बाद भी अच्छा कर रहे हैं, जिनको नहीं करना होगा, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो यू नो डिसइंटरेस्ट मैनर में काम कर रहे हैं, उनका कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, हाउ टू बी अपडेटेड। अभी डॉक्टर दास ने भी मैं ज्वाइन किया है और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, और डॉक्टर आनंद का कमेंट है, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड आई लव योर एंडो वर्क, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच वंडरफुल वर्क इन एंडो। और डॉक्टर दास का हमने आज टॉपिक डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर, एथिक्स का डिस्कशन किया हमने, डेंटिस्ट्री आफ्टर कोविड का डिस्कशन किया, और मेरे खुद के पर्सनल टॉपिक्स स्टार्टिंग में डिस्कशन किए हमने कि बैड डेज को कैसे, डेंटिस्ट्री के बैड डेज जब आते हैं, जब पेशेंट्स कम होते हैं किसी भी क्लिनिक पे, हर क्लिनिक पे अलग अलग डेज होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, और क्यों ज़रूरी है अपने असिस्टेंट के साथ प्लीज़ और थैंक यू करके बात करते रहना, असिस्टेंट के साथ ही नहीं, असिस्टेंट जॉइंटर अपनी टीम के साथ इस मैनर में बात करना, उससे क्या प्रमाणित होता है आपके कैरेक्टर के बारे में। लास्ट चीज़, हाउ टू बी अपडेटेड, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, हाउ टू बी अपडेटेड, तो इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन कमेंट्स और प्यार को लेंगे अपनी तरफ। तो सी, हाउ टू बी अपडेटेड एक बहुत बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि देखिए दो तरीके हैं, एक तो है फ्री का माल जो इंटरनेट पे बहुत है, बहुत है, उतना भी अगर आप कैप्चर कर पाएंगे ना, उतना भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में, अपने यू नो डेंटल प्रैक्टिस के स्किल्स में, नॉलेज में डाल पाएंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेंटिस्ट बन पाएंगे, इस बात को याद रखिए। आप अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि कौन आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बैठ के तसल्ली से, जब उनका फ्री टाइम होता है तो वो कुछ इंटरटेनिंग देखने के बजाय कमिटमेंट से रोज रोज थोड़ी देर डेंटिस्ट्री के बारे में देखते हैं, कितने लोग हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत डिसिप्लिन से हों। सबसे पहली चीज़ मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए मेडिटेशन, दूसरी चीज़ वर्कआउट, जो मैं करता नहीं हूँ इसलिए मेरे मुंह से बड़ी अच्छी बात नहीं लग रही है ये बात, पर कितना ज़रूरी है वो मैं जानता हूँ उसको, और कोशिश पूरी रहती है कि इसको करूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के बिना मेंटल हेल्थ बेकार, मेंटल हेल्थ के बिना फिजिकल हेल्थ बेकार। तीसरी चीज़ जर्नलिंग, अपनी लाइफ की स्टोरी को लिखिए, कुछ साल बाद पता नहीं किसको अल्जाइमर हो जाएगा और किसको कौन भूल जाएगा और कौन इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो आपकी कहानी को बताएगा कौन, आप खुद। कोई किताब लिख रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई ऑडियोज लिख रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, आपकी कहानी का क्या, आप भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करके जाइए, आपकी कहानी से भी तो सीखेंगे लोग, तो जर्नलिंग। चौथा रीडिंग, कुछ तो पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, डेंटिस्ट्री के बारे में पढ़िए या नॉन डेंटल डेंटल टॉपिक्स पढ़िए, कोई भी ऐसी बुक पढ़िए जो आपको यू नो पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़िए या यू नो ग्रेट पीपल की बुक्स पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर जो भी आपको इंटरेस्ट लाता है उस चीज़ को पढ़िए, पढ़ने के बाद दिमाग खुलता है, लिखने के बाद भी दिमाग खुलता है, पढ़ने के बाद दिमाग खुलता है। और लास्ट चीज़ बची डेंटिस्ट्री की, तो रोज़ रोज़ कम से कम 10 मिनट डिसिप्लिन से निकालिए कि आप डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा सीखें जो आपको पहले नहीं आता था, और ऐसा आपको यकीनन मिलेगा, इंटरनेट पे यकीनन रोज़ मिलेगा।
अभी जो आपने बुक्स पढ़ी है ना पास होने के लिए, अभी उनको पलट के पढ़ेंगे ना, एंडो वगैरह की बुक और जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, मैं ग्रॉस मैन आज भी पलट के पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये तो तब एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ लिया था, ये टॉपिक तो अच्छा है, ये इस तरीके से रिलेट होता है पेशेंट पे। छोटी छोटी चीज़ें आज लोग मुझसे पूछते हैं DG16 इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये क्यों यूज़ करते हैं, अच्छा कैनाल फाइंड करने में हमें तो पता ही नहीं था, लगता है MDS में सिखाया जाता होगा। ग्रॉसमैन उठा के देखिए आप, DG16 की तीन तीन फोटो हैं, एक नहीं तीन तीन फोटो, और सिर्फ ग्रॉसमैन में नहीं, एंडो के किसी भी बुक में है, बट कब हमने पढ़ा उसको, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आता था ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपडेट रहने के लिए रोज़ रोज़ थोड़ा सा टाइम निकालें। जो चार चीज़ें मैंने बोली वो तो जग प्रमाणित है, पर अगर आपको डेंटिस्ट्री या किसी भी चीज़ में, मैं कह रहा हूँ डेंटिस्ट्री नहीं, आपको डेंटिस्ट्री के साथ और भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा टाइम स्पीकिंग के लिए भी निकालूंगा कि मैं मेरी वॉइस कैसी जाती है स्पीकिंग में, मैं ब्लर करता हूँ क्या, मेरी आवाज़ तेज़ कम कैसे होती है, इसकी भी बुक्स हैं, किस चीज़ की बुक नहीं है दुनिया में। मगर अगर आपको हर चीज़ वीडियो देख के या पॉडकास्ट देख के समझ सुन के समझ आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर खुद पे टाइम दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस ले लेते हैं लोगों को, और इफ समबडी वांट्स टू ज्वाइन, डॉक्टर कुशल का मैसेज है, अंडर ग्रेजुएट हूँ सर, RCT सीखने का स्टार्ट कैसे करूँ। सबसे पहले तो ये टर्म हटा दीजिए माइंड से कि अंडर ग्रेजुएट हूँ, ओनली BDS हूँ, सिर्फ BDS हूँ, आप डॉक्टर हैं, RCT सीखने का स्टार्ट कैसे करना है वो 100 से ऊपर वीडियो हैं, 100 से ऊपर यूट्यूब खोलिए, एक्सट्रैक्टेड टूथ को ढूंढिए, मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से, थोड़ा मेहनत कीजिए, उसको अच्छे से पोर कीजिए और सीखिए, शुरू कीजिए। पता नहीं कितने लोग, और सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बना रहे हैं वीडियोस सिखाने के लिए, आप सीखने वाले बनिए। कहते हैं ना कि गुरु उसी को मिलता है जो गुरु को ढूंढ रहा हो, ये हमेशा याद रखिए। और किसके क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, प्लीज़ डू शेयर विद अस इमरजेंसी किट, बिल्कुल डॉक्टर साहब शेयर कर देंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा, माय नंबर इज 9873511158 आई बिलीव। डॉक्टर खेड़ा थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, डॉक्टर उमा हेलो सर नमस्ते, नमस्ते डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीरज हेलो सर, हेलो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से अब कोई कमेंट नहीं है, और अगर कोई रेडिएशन के बारे में बताइए डॉक्टर साहब, रेडिएशन के बारे में हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि हम सीनियर डॉक्टर्स से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपसे ज़रूर बहुत जल्दी एक थोरो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ इतना बोल देना कि रेडिएशन में ये होता है वो होता है छोटी मोटी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अलग से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आकाश बंसल वेयर इज़ योर क्लिनिक सर, डॉक्टर साहब मेरे क्लिनिक दिल्ली में और दिल्ली NCR में है, तो आप कहाँ पर पास में लोकेट करेंगे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, ठीक है, वसुंधरा में मेरा फर्स्ट क्लिनिक है, ठीक है, और बाकी तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा और प्रैक्टिसेस कहाँ पे कैसे बढ़ रही हैं। डॉक्टर पल्लवी का वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और ओके डॉक्टर दीपिका का मैसेज है, इन केस आपने ट्रीटमेंट सही दिया हो पेशेंट को एंड आप श्योर हो पेशेंट की नेग्लिजेंसी है, फिर भी केस फाइल करने को बोले तो क्या करें। ओके वेरी गुड क्वेश्चन, तो पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो केस वगैरह की बातें हैं और ये जो लीगल बातें हैं, इस पर मैं अलग से डॉक्टर दास के साथ एक लेक्चर बना रहा हूँ, और लेक्चर का पूरी सीरीज़ बना रहे हैं हम, और बहुत जल्दी इसको लॉन्च करेंगे, आपको बताएंगे, तो काम चल रहा है अभी, और सिंपल काम नहीं, अच्छे खासे लीगल पीपल के साथ मिलके डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ बात करते हैं अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बताता हूँ, देखिए आपने अपना ट्रीटमेंट सही दिया है ये तो ज़रूरी है, मगर क्योंकि इस तरीके के क्योंकि स्वीट पेशेंट कितना शोर बन जाए यू डोंट नो, इसलिए आपने ट्रीटमेंट सही दिया
पर क्या आप उस बात की प्रमाणित बात है कि उन्होंने उस चीज़ को सही तरीके से लिया, दैट इज़ क्या आपने कंसेंट लिया, क्या जब आप सही ट्रीटमेंट कर रहे थे या उनको समझा रहे थे, क्या उस बात की कोई भी प्रमाणित बात है, कोई सीसीटीवी कैमरा है माइक के साथ, कोई कंसेंट है कि उन्होंने साइन किया है कि ओके फेलियर भी हो सकता है ट्रीटमेंट का। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद भी अगर पेशेंट चिल्लाता है तो आप उनको ये बात बोल सकते हैं कि पहले तो आपको चिल्लाना अलाउड नहीं है, दूसरा आपने कंसेंट साइन किया है, उसको पढ़ा था, आपको बोला था, आपको पढ़ के साइन कीजिए। मैं पेशेंट्स को बोल देता हूँ कंसेंट साइन करते हुए कि सर इसको पढ़ लीजिएगा। पेशेंट पूछते हैं कई बार कि ये तो फाइल का इसमें इस लिखा है इंस्ट्रूमेंट टूट जाए, मैं कहा सर हो जाता है कई बार, क्लियरली बोल देता हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंसेंट साइन कराएं ताकि पेशेंट के दिमाग में वो फियर नहीं बोलूँगा बट वो सेट अबैक रहे कि ओके मैंने भी वहाँ पे साइन किया था। जब हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, मेडिकल सर्जरीज होती हैं, तब तो आदमी नहीं पढ़ता, 2 मिनट में साइन कर देता है, तो आपको आपके में क्यों नहीं करेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर साइन कैसे करवाएं, यू नो पेशेंट भाग जाते हैं, पेशेंट चले जाते हैं। तो आपको तुरंत साइन नहीं करवाना है, आपको सिंपल फॉर्म भरवाना है पेशेंट से। कई बार पेशेंट सोचते हैं कि फॉर्म भरने के पैसे तो नहीं होंगे, कंसल्टेशन तो नहीं होगी, उन तो आपका असिस्टेंट को ट्रेन कीजिए कि ओके आप आइए आके बैठिए और उसके बाद सर ये थोड़ी नॉर्मल डिटेल्स भर दीजिए, इसमें थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री भी है। पेशेंट को वैल्यू समझानी पड़ती है फॉर्म की, इसमें थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री भी है ताकि कोई दिक्कत आपको हो तो हम देख सकें, आपको शुगर है, अच्छा आपसे नहीं हो रहा साइन, आपको नहीं दिख रहा, आप चश्मा नहीं लाए, कोई बात नहीं मैं टिक कर देता हूँ, आप लास्ट में साइन कर दीजिएगा। असिस्टेंट इस तरीके का काबिल, आपका रिसेप्शनिस्ट इस तरीके की काबिल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप अपने सामने बिठा के पेशेंट को उस बात की वैल्यू समझाइए, देखिए ये फॉर्म है इसको आप भर दीजिए मेरे सामने, इसमें नॉर्मल डिटेल है आपके फ़ोन नंबर और आपका यू नो नाम एड्रेस वगैरह, और बस एक छोटा सा फॉर्म है और लास्ट में आपका जो है मेडिकल हिस्ट्री है उसमें टिक कर दीजिए, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक हैं, ये वो हैं, जो भी आपका दिक्कत है, किसी ज़्यादा से एलर्जिक तो नहीं है, ठीक है, प्रेगनेंट तो नहीं है, ठीक है, खत्म, साइन डन। फॉर्म आपको चाहिए फॉर्म आप मुझसे ले सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म होगा तो पेशेंट आपको नहीं चिल्लाएगा। दूसरा, अगर आपका लगा रहता है ऊपर के यू नो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरा अगर लगे होते हैं तो पेशेंट कभी भी, क्योंकि लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, तो पेशेंट को पता होता है, तो आप याद दिला सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें बातें एक्सप्लेन की गई थी। पेशेंट उसके बाद भी कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं था, तो सर मेरे पास रिकॉर्डेड है, आप चिंता ना करें, मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने आपको क्या क्या समझाया, कैसे समझाया, आपको रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, इन दो चीज़ों पर इन्वेस्ट कीजिए। कंसेंट फॉर्म साइन करने के बाद सर ना आपको पता है पेशेंट हमेशा सच नहीं बोलता फॉर अर्ली ट्रीटमेंट फॉर अदर रीज़न, तो करने दीजिए ना उनको। आप बहुत कंसेंट फॉर्म साइन करने के बाद पेशेंट सच नहीं बोलता, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया पेशेंट ने और उसके बाद पेशेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरा तो ये नहीं था, ऐसा नहीं था, कोई बात नहीं, फिर लीगल वे में आप तो सही है ना, साइन तो हो गए, लीगल वे में आप तो सही है, आपने बिना देखे साइन क्यों किया, दैट इज़ योर फॉल्ट, ठीक है। और कंसेंट साइन करने के बाद अगर पेशेंट यू नो फॉर अर्ली ट्रीटमेंट अगर सच नहीं बोलता, फॉर डॉक्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही है आपकी बात कि कंसेंट फॉर्म साइन करने के बाद पेशेंट हमेशा सच नहीं बोलता फॉर अर्ली ट्रीटमेंट एंड अदर रीज़न। अर्ली ट्रीटमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होती। आज मेरे पास सही 9 बजे एक पेशेंट आया जिसका अपॉइंटमेंट 6 बजे था, और उन्होंने आके मुझे बोला कि उनकी लैंग्वेज थी ये कि ट्रीटमेंट तो मैं आज ही करा के जाऊँगी, ये लैंग्वेज थी उनकी। ऐसे पेशेंट को भी मैंने कन्विंस कर लिया टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम मी ओनली बट टुमारो, वाई, क्योंकि मेरा अदर कमिटमेंट है। मैंने उनको बोला सर मैम आपका 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, आपको सही 6:15 पर मेरे असिस्टेंट का कॉल गया, ये रही कॉल डिटेल्स, आपने कॉल नहीं उठाया, आपने हमें कॉल बैक नहीं किया और ये नहीं बताया कि कोई और पेशेंट आप कर लीजिए, मैं नहीं आ पा रही हूँ, आपके पैर में चोट लगी थी, आप अभी दिखा रहे हैं, आपने तब नहीं बताया, अब मेरे असिस्टेंट नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई कलीग नहीं है, मेरे इंस्ट्रूमेंट रिलेशन में चले गए हैं, अब आप कल आइएगा, हम कल ट्रीटमेंट करेंगे याद से, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। क्यों क्यों हुआ ये, क्योंकि मेरे पास पॉइंट थे जो मैं प्रूव कर सकूं, जो मैं बता सकूं, मेरे पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन थी कि मैंने आपको 6 बजे का लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे, लिखा हुआ है कि आपका 6 PM का अपॉइंटमेंट है, मेरे पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 बजे का अपॉइंटमेंट है, और साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई चेंज ऑफ प्लान हो तो मैं इन्फॉर्म कीजिएगा,
तो ये सब चीज़ें प्रूफ में आती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस हों पेशेंट की, बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कंसेंट फॉर्म्स हों, बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक महीने की रिकॉर्डेड सीसीटीवी की फिगर्स हों और साउंड के साथ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। प्रॉब्लम है फिर भी टेस्ट नहीं करने की, बीपी शुगर एंड कोई मेडिसिन चली है। ओके डॉक्टर साहब, तो उस केस में कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है आप सिंपल यू कैन ऑलवेज से नो टू द पेशेंट, यू कैन ऑलवेज से नो टू द पेशेंट। अगर आपको लग रहा है कि इनकी बीपी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या तो पेशेंट को पेशेंट को थोड़ा सा इन्फॉर्म करना होता है, और अगर ऐसे इग्नोरेंट पेशेंट होते हैं तो उनको डराना होता है। पेशेंट को बताइए कि देखिए मैं निकाल दूंगी दान, रात भर खून नहीं रुकेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या तो शुगर का टेस्ट ला के बता दीजिए, और अगर फिर भी बहुत डीप पेशेंट है तो आपके पास होना चाहिए ग्लूकोमीटर क्लिनिक में। चलिए मैं चेस्ट कर लेती हूँ, आपका असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट को इतना होना चाहिए कि ग्लूकोमीटर और बीपी एटलीस्ट हैंडल करना आता हो उनको, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से एटलीस्ट एक अंदाज़ा तो मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है तो इन चीज़ों पर इन्वेस्ट कीजिए, और अपने असिस्टेंट को इस बात के लिए ट्रेन कर दीजिए, या खुद ले लीजिए टेस्ट, या फिर पेशेंट को डराना सीखिए सही बात के लिए कि अगर बीपी में दिक्कत आई, ब्लड ब्लीडिंग नहीं रुकी, अगर शुगर में प्रॉब्लम आई, हीलिंग नहीं हुई, तो इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कंसेंट साइन कर, और कंसेंट में बताइए बात कि आप मेडिकल में अपना कंसेंट साइन करके मुझसे सर्जरी कराएंगे, दांत निकलवाएंगे कंसेंट साइन करके, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, तो आज बहुत सारी बात हो गई, एक घंटा हो गया आधे घंटे के बजाय, और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करने के लिए बोला है, तो हम 5-5 मिनट सबको दे देते हैं। डॉक्टर बुरहान वदी वाला है, एक बार देखते हैं वो क्या कहाँ से हैं, मैंने ज्वाइन करने के लिए भेजा तो है, और किस किस की रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी, ऊपर भी हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट थी, अभी देखते हैं। ज्वाइन करके डॉक्टर साहब चले गए, तो और देख लेते हैं कोई ज्वाइन कर रहा था, मैं उस समय ज्वाइन नहीं करा पाया था, मुझे अब देख नहीं रहा है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो कर सकता है, बट 5 ही मिनट हैं तो हम बात कर सकते हैं, वरना हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे मेरे ख्याल से। ओके मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज डन, सो आई होप आपने कुछ सीखा, आप सीखिए, दुनिया को सिखाइए, और इसके बारे में, इस डेंटल डायलॉग के बारे में, और डेंटिस्ट्री में जो भी आप सीखते हैं, सिर्फ इसी टॉपिक के, इसी मेरे ही ब्रांड की बात नहीं करूँगा, कहीं से भी आप सीखते हैं दूसरों तक पहुंचाइए। डॉक्टर रवि का वाइज डेंटिस्ट है, बहुत सारे डॉक्टर सुपियान का भी है, डॉक्टर साइन डेंटल ब्लॉग्स है, डॉक्टर अभिषेक पति का, जो भी आप डॉक्टर दीप्ति मेहरा का भी, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज में जिसने देखा तो डालती थी, ठीक है। तो किसी का भी अगर आप देखते हैं कि वो डेंटिस्ट्री में कुछ ऐसा बता रहा है जो वैल्यूएबल है, तो उसको शेयर कीजिए ग्रुप में। दिल्ली में बोलते हैं ना कि छोड़िए लैंग्वेज खराब हो जाएगी, यहाँ पर मुझे खराब लैंग्वेज यूज नहीं करनी, बट बकवास के लिए तो बहुत टाइम है, ग्रुपबाजी में स्टूडेंट्स की चलती रहती है, वो सब भी जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि आपके आपके ग्रुप में इस तरीके की लिंक्स जाएं, या आप इस तरीके के ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें लिंक हो जो इस तरीके के प्रोडक्टिव वीडियोस और आर्टिकल्स और इन सबसे भरे। डॉक्टर एकदम बोल रहे हैं फीलिंग मैम लर्निंग एवरी डे फ्रॉम यू सर, थैंक यू सो मच डियर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर, अपना समय देने के लिए, और हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा वहाँ भीड़ नहीं होगी, भीड़ हमेशा वहाँ होगी जहाँ पे दिमाग अलग रख के इंसान जा रहा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति मेहरा, आई लर्न फ्रॉम यू एवरी डे, सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब मैं जाता हूँ, इट्स टाइम फॉर मी टू
गुड लाइफ विद माई किड, और अच्छी लाइफ दिए, और अच्छा वीकेंड फॉलो कीजिए। तो डेंटिस्ट्री सब कुछ नहीं है, डेंटिस्ट्री लाइफ में होनी चाहिए। आई वॉट ए न्यू फैन आफ्टर वॉचिंग योर रील, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आपको आई एम श्योर आई यू विल लव इट। ठीक है, मुझे पता नहीं कितने लोग इस पेन के लिए बोलते हैं कि, और ये मैंने बताया कि मेरा नहीं, डॉक्टर सीरी का इन्वेस्टमेंट है क्लिनिक में, और ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट बहुत हेल्प करती है, पेशेंट बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, और उसके बाद हमारा कोर्स भी, तो उस कोर्स में पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन राइट। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना इंटरेक्टिव सेशन होता है, हम 1.5 2 3 घंटे सिर्फ डेंटिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, मज़ा आता है। तो डिटेल चाहिए हो तो आपको मिल जाएंगे, नथिंग मोर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल वीक, थैंक यू।